मतलब पुनः स्वागत है आप सभी बिरादरी भाइयों का। भारतीय परिसीमन आयोग, जिसे चार प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किया गया था, उसने करीब 3 दिन पहले अपनी आपत्तियां जो है वो जनमानस से मांगी थी। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी आज आधिकारिक तौर पर अपना दृष्टिकोण और अपना निकट भविष्य में इसके विरोध में किए जाने वाला प्रबल विरोध को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो मैं बड़ी स्पष्टवादिता से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आयोग ने न केवल विधानसभा क्षेत्रों में बल्कि लोकसभा क्षेत्रों में नए सिरे से परिसीमन करने की कोशिश की गई है, उसमें जो मूलभूत आधार होते हैं, मसलन जैसे जनसंख्या की हम बात करें, किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, उन्हें सिरे से दरकिनार किया गया है। इसे मैं उदाहरण के साथ, याद होगा जब सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पंच और सरपंच विरोध में उतरे थे, तो उसके उपरांत जो है आयोग ने अपना फैसला वापस लिया। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियां बड़े साफ ढंग से देखने को करीब करीब हर विधानसभा में देखने, पहले से प्री प्लान मंशा थी, उसके ऊपर लोगों ने बड़ा कड़ा विरोध जताया है। और जो मौजूदा सरकार मरकज में बैठी है, उसके आधिकारिक कार्यक्रम में लोगों ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। इसी तरह से हम किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र विशेष की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता आसीन लोग रहे हैं उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाने की भरसक कोशिश की गई है। हमारा ये मानना है, क्योंकि हमारा संविधान इस निकाय को, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत शक्तिशाली किस्म की शक्तियां प्रदत्त करता है, और कोई भी सियासी तंजीम या नेता इस आयोग की रिकमेंडेशंस को, सिफारिशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो। खास तौर से मैं यहाँ एक और जिक्र करना चाहूँगा, मसलन हम बात करें रिफ्यूजी समुदाय की या हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो ऐसे ढंग से इस बार परिसीमन किया गया है कि इस एक बड़ी बिरादरी को भी पूरी तरह से उसके हक हकूकों को, उनकी बुनियादी जो हम कहें कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार थे, उनके साथ भी एक गहरा मजाक है। तो हम एक कड़े विरोध के साथ इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी निकट भविष्य में एक बड़े सशक्त ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी करने जा रही है। सर, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से असेंबली सीट अभी बनाई हुई है, कुछ असेंबली सीट ऐसी हैं जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ जो असेंबली अभी बनी है उनमें बहुत ज्यादा कम, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको इसे थोड़ा समझना होगा जब आप गहराई में जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, चूंकि 4 राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में परिसीमन करने के लिए आयोग का गठन किया गया था, तो उसमें जब आप उसकी गहराई में जाते हैं, तो कभी भी इस देश में अब तक 4 मरतबा परिसीमन हुआ है। परिसीमन के दौरान जो मूल आधार होता है परिसीमन का, वो जनसंख्या होती है। जैसा आपने सवाल किया, मैं पाडर की मिसाल आपको देना चाहूँगा। पाडर विधानसभा क्षेत्र में 55,000 के ऊपर करीब करीब एक सीट दे दी गई, यद्यपि उसकी तुलना में भद्रवाह देखिए 1.5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है समुच्चे आयोग की कार्यकुशलता पर, उसकी विश्वसनीयता पर।